हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। हम लोग भी ठीक है। और सो फ्रेंड्स, आज है मंडे और मीवी के स्कूल का जो फर्स्ट डे है और हम लोग जा रहे हैं मीवी को स्कूल छोड़ने के लिए। तो देखिए, मैंने बॉटल और उसका बैग और लंच बॉक्स भी लिया है। बहुत एक्साइटमेंट हो रही है, मतलब थोड़ा सा लग भी रहा है कि अब मीवी स्कूल जाएगी, 2-3 घंटे के लिए दूर रहेगी, बट उसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो मेरी से हाय, मेरी हाय। और बड़ी मुश्किल में मेवी ने ये फ्रॉक पहनी है। मेवी बोल रही थी उसे फुल टी शर्ट और पजामा पहना। मैंने कहा बेटा आज तो कम से कम पहला दिन है, पहन चलो और देखते हैं कैसा रहता है आज। तो मे भी उसके साथ मुझे बैठना पड़े, फर्स्ट डे है उसका स्कूल का। और जितनी देर तक बैठेगी, 1 घंटे या 2 घंटे या आधे घंटे, पता नहीं, कह नहीं सकते, बच्चे हैं। फिर इसके बाद मैं वापस आ जाऊंगी और अगर नहीं रोई तो फिर वापस आऊंगी, और रोने लगी तो फिर मैं उसके साथ ही रहूंगी और फिर 11:30-12 बजे तक आऊंगी। अब देखते हैं और आपसे मिलूंगी घर आके। अब वहां जाके तो रिकॉर्डिंग नहीं करूंगी, पर घर जाके, घर आके आपको बताऊंगी कि कैसा क्या रहा। सो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। सो फ्रेंड्स, अभी मैं आ गई हूँ स्कूल से और अभी बजे हैं, आप ये देख सकते हैं कि अभी बज रहे हैं 11:30। और मेवी ने कोई कसर नहीं छोड़ी रोने में। जब हम लोग गए स्कूल तो करीब 1/2 घंटे समथिंग, वो जैसे गए स्कूल में एंटर करा तो वो अपने टीचर के साथ चली गई अंदर। तो 1/2 घंटे वहाँ पर उसने कोई कुछ नहीं रोई, कुछ नहीं किया। फिर इसके बाद जैसे ही 1/2 घंटे हम लोगों ने एडमिशन की फॉर्मेलिटी पूरी करी, इसके बाद में भी जो रोई है, इतनी तेज़ रोई, बोली मम्मा के पास जाना का पता नहीं। पर टीचर बोली कि अभी 15-20 दिन लगेंगे, आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा। तो बस वही है, देखते हैं कि कैसे क्या रहता है। बाकी आज तो बहुत रोई, फिर हम लोग उसे साथ में ही लेके आ गए। ये है मिब्बू मिबी, बहुत ज़्यादा, देखते हैं टाइम लगेगा। अभी 2.5 साल की भी नहीं है, थोड़ा सा टाइम बाकी है उसके 2.5 साल होने में, तो थोड़ा सा टाइम। टीचर भी उसकी बोली कि आपको थोड़ा सा, अभी बच्चे क्या पहली बार घर से निकलता है, पेरेंट्स से दूर होता है, तो लगता है उसको उसके दादा दादी मम्मी पापा उधर कोई भी नहीं देखे तो उसे लग रहा होगा कि अरे मैं कहाँ आ गई। फिर धीरे धीरे खेलने की आदत पड़ जाएगी सब कुछ, इसीलिए। सो बस अभी मैं घर आ गई। घर आने के बाद मैं भी कुछ खिलाऊंगी पिलाऊंगी और खुद भी खाना दूंगी घर वालों को सब, और आपसे मिलती हूँ फिर शाम को। इसके बाद फ्रेंड्स, आज है सैटरडे तो हम लोग जा रहे हैं इंदौर। इंदौर में हमारा भांजा रहता है, तो हम लोगों ने सोचा मम्मी पापा को उससे मिलवा देते हैं। इसके बाद हम लोग निकल दिए, तो करीब हम लोग 2 बजे करीब निकले थे, तो सब विद फैमिली चल दिए। और बहुत अच्छा मौसम हो रहा था, बहुत प्यारा मौसम हो रहा था। फिर इसके बाद उससे मिलने के बाद हम लोग गए थे खजराना गणपति, क्योंकि हमारे पास 1 घंटे का टाइम बच गया था और पहली बार हम गणपति के दर्शन करने जा रहे थे। हमारा कोई प्लान नहीं था कि हमें मंदिर जाना है, और कभी बहुत कम ही हो पाता है हमारा इंदौर आना, जबकि उज्जैन से काफ़ी पास है। हस्बैंड को टाइम नहीं मिलता है तो फिर ऐसे आना भी नहीं हो पाता है, क्योंकि पूरा उनका पूरे हफ्ते वर्किंग रहता है। सैटरडे संडे छुट्टी मिलती है, 2nd 4th तो लगता है उन्हें भी आराम करना है, घर के भी काफ़ी सारे काम हो जाते हैं इसके चलते। बट आज फिर हमने सोचा कि आज भगवान ने हमें अपने पास बुलाया है, तो हम दर्शन करने आ गए और हमें बहुत अच्छे से भगवान के दर्शन हुए। आप लोग भी मेरे साथ दर्शन कर लीजिए। और मंदिर में बहुत अच्छा लगता है, चारों तरफ मैं मंदिर को दिखाती हुई, राम दरबार है। फिर इसके बाद दर्शन करने के बाद हम लोग निकल आए वहाँ से, और फिर मैंने खाई अब तक की सबसे टेस्टी पानी पूरी। ये बहुत टेस्टी थी क्योंकि मुझे भूख लगी थी और मेवी ने कॉर्न खाया, तो ये यूनिकॉर्न और स्वीट कॉर्न में डिफरेंस नहीं समझ पाती है अभी। फिर इसके बाद हम लोग, आज सावन सोमवार था तो हम लोग आ गए थे महाकाल के दर्शन करने के लिए। किस्मत से हमें महाकाल के बहुत अच्छे से दर्शन प्राप्त हुए, और ये टाइम था जब हम आरती होने वाली थी और हमें पता नहीं था कि शाम की आरती का टाइम हो रहा है, ये 1 बजे होती है। फिर किसी ने हमें बोला ये रेलिंग से आप चले जाओ तो आरती मिल जाएगी, तो हमें मिल गई आरती। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज है मंगलवार की सुबह और मैं पी रही हूँ कॉफ़ी, बहुत दिनों बाद ऐसे बैठ के कॉफ़ी पी रही हूँ, टाइम ही नहीं मिलता सुबह सुबह। लेकिन आज थोड़ा जल्दी उठ गई थी तो जल्दी से मैंने सारे काम फटाफट से फिनिश किए। थोड़ा नहीं, काफ़ी जल्दी उठना पड़ता है जब जाके अपने लिए टाइम निकाल पाते हैं। ऐसे सारी मॉम्स जो होंगी उनके हाल ऐसे ही होंगे, सबको खुद के लिए टाइम नहीं मिलता होगा, सारे घर के काम और बच्चे, जो लोग वर्किंग होंगे उनके पास तो और भी बिल्कुल टाइम नहीं रहता होगा।
फैमिली के साथ साथ उनको ऑफिस वर्क भी मैनेज करना होता है, जाना होता है, तो काफ़ी उनका शेड्यूल रहता है टाइट। तो बस मैंने सुबह सुबह सोचा आज बहुत दिन बाद ऐसा लग रहा था चाय नहीं पीनी, कॉफ़ी पीनी, तो मैंने बनाई अपने लिए ब्लैक कॉफ़ी। और बस कॉफ़ी पीने के लिए बैठ गई। और आप सबको सावन मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं, महाकाल आप सब पे कृपा करें। और कल हम लोग गए थे महाकाल मंदिर, कल पहला सोमवार था तो सोचा दर्शन करके आते, पर यही था कि इतनी भीड़ में दर्शन मिलते हैं कि नहीं मिलते। फिर हम लोग गए तो फिर हमने एक्चुअली भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है सोमवार के दिन, और सावन मास में तो मतलब बहुत ही ज़्यादा रहती है, वैसे नॉर्मल सोमवार में भी बहुत भीड़ रहती है। फिर हमने सोचा ठीक है देखते हैं, अगर दर्शन होने होंगे तो अच्छे से हो भी जाएंगे। तो फिर हस्बैंड का प्लान था ये, मैंने तो नहीं सोचा था कि कल मैं जा पाऊँगी, कल मेरा व्रत भी था, सब लोग कल व्रत रहते हैं ज़्यादातर लोग सोमवार के दिन। फिर हस्बैंड बोले, लंच पे आए, बोले अनुभा अपन शाम को महाकाल के दर्शन करने चलते हैं। तो मैं बोली ठीक है लेकिन बहुत ज़्यादा भीड़ होगी, तो बोले कि अपन VIP टिकट ले लेंगे। तो मैंने कहा ठीक है फिर हो जाएगा। एक्चुअली जब बच्चा छोटा होता है ना तो इतनी ज़्यादा भीड़ में, थोड़ा सा डर भी लगता है, क्योंकि एकदम भीड़ क्या होती है ना, जब ज़्यादा भीड़ होती है तो आप भीड़ में चलते नहीं हो, भीड़ आपको आगे की तरफ ढकेलती है, वैसा होता है। तो फिर हम गए और वहाँ जाने के बाद हमें टिकट ही नहीं मिली, बोले कि सुबह 6 बजे से टिकट रहेंगे। तो बड़ा थोड़ा सा लगा कि अरे मतलब हम लोग गए, पहुँच गए थे मंदिर 7 बजे शाम को, तो फिर हल्की हल्की सी बारिश भी हो रही थी बिल्कुल ज़रा ज़रा सी। फिर सोचा कि अब क्या करें क्या करें, तो हमने कहा चलो, हस्बैंड बोले, हम लोग बोले चलो देखेंगे जो होगा, दर्शन तो होंगे ही, थोड़ा सा टाइम लगेगा, ज़्यादा टाइम लगे, एक्चुअली ज़्यादा टाइम लगने की दिक्कत है, नॉर्मल एंट्री से ही ज़्यादातर टाइम जाते, लेकिन जब व्रत हो, बच्चा छोटा और इतनी भीड़ के, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, चल दिए। तो कल उन्होंने पूरा रूट भी चेंज करके रखा था, क्योंकि भीड़ ज़्यादा होती है तो फिर पूरी व्यवस्थाएं वहाँ चेंज कर देते हैं। तो हम लोग गए और जाने के बाद चले गए, फिर एक जगह हम मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी, इतनी ज़्यादा भीड़ थी, लगने लगा था कि ओ माय गॉड अब निकलेंगे कैसे यहाँ से। फिर एक वहाँ पे कुछ लोगों ने आगे निकाल दिया और लाइन रोक दी, तो जब हम लोग आगे निकले तो उनमें से हम भी थे, फिर आगे चले गए, फिर वो एक जगह रेलिंग बंद थी, आरती स्टार्ट होने वाली थी, रेलिंग बंद थी वहाँ पे। फिर एक पता नहीं एक आदमी आया, मतलब तो उनने हम लोगों मतलब मैं भी आगे आगे जा रही थी और मैं उसके पीछे थी, तो वो बोले कि इन लोगों को निकल जाने दो, जबकि ऐसा जनरली होता नहीं है, मतलब 99% टाइम ऐसा नहीं करते हैं। फिर वो बोले कि इन लोगों को आगे निकल जाने दीजिए। तो हम लोग निकल गए और हमें यकीन भी नहीं था कि हम मतलब जहाँ से वो एंट्री उसने खोली, तो हमें ये नहीं था पता कि हम मेन हॉल के बाहर ही खड़े हैं, मतलब वो लाइन मेन हॉल के बाहर ही है। तो फिर हमने वो जो आप अगर महाकाल मंदिर गए हो तो आपने देखा होगा ऊपर साइड स्टेयर्स बनी है, नहीं जनरली हम लोग क्या करते हैं जब दर्शन करने जाते हैं तो नीचे वाली लाइन से चले जाते हैं, क्योंकि मैंने आज तक आरती नहीं देखी और आरती के अलावा स्टेयर्स पे मैं कभी गई नहीं हूँ। फिर इसके बाद हम लोग आरती देखे गए, तो वहाँ पर आरती होने वाली थी तो लाइन रुकी, मतलब उनने क्या लाइन रोक दी थी पर्टिकुलर टाइम के लिए। तो हम लोगों ने फिर ऊपर चढ़े, दर्शन किए। अब मैं मेरी हाइट कम है और भीड़ बहुत ज़्यादा थी, और मेरे से काफ़ी लंबे लंबे लोग थे, पर एक वो कॉर्नर पे खड़े हो के महाकाल के ऐसे कलम में दर्शन हुए, इतने अच्छे दर्शन हुए और मन भर के महाकाल के कल दर्शन हुए। हमने तकरीबन आधे घंटे से ज़्यादा कल महाकाल के दर्शन किए, और आप जब फोटो में देखते हैं तब महाकाल अलग है और आप जब सामने देखते हैं तो एकदम अलग है, मतलब ऐसा लगता है वो कब से हैं, कितने बड़े हैं, और मतलब बहुत बहुत ज़्यादा, मतलब जब आप फोटो में देखेंगे तो एक आपको उनका अलग रूप दिखाई देगा, इवन जब आप मंदिर में ही बाहर देखेंगे स्क्रीन पे तो आपको उतना नहीं समझ में आएगा, शायद वो टॉप व्यू होता है मे बी इसलिए,
लेकिन जब आप अंदर सामने देखेंगे तो आपको लगेगा कि कितने बड़े वो सच में बाबा महाकाल है। इतने अच्छे से कल मुझे दर्शन हुए, इतने अच्छे से दर्शन हुए, मैंने सोचा भी नहीं था। मैं मन में यही सोच रही थी कि इतनी भीड़ है। कई बार क्या होता है ना, ज़्यादा भीड़ रहती है ना तो ऐसा लगता है कि चलो एक झलक ही मिल गई तो बहुत है। क्योंकि ओमकारेश्वर में हमारे साथ ऐसे ही हुआ था, हम ओमकारेश्वर गए थे तो हमें सिर्फ भगवान की, सिर्फ पर्टिकुलर भगवान की एक झलक ही मिली थी और हम चले गए थे, इतनी भीड़ थी। और लेकिन कल मैं यही सोच के गई थी कि चलो ठीक है, हम लोग तो आते रहते हैं और देखेंगे महाकाल कैसे दर्शन देते। और सोच के भी यही, रास्ते में भी यही सोच रहे थे कि इतनी भीड़ होगी, मैं पहली बार सावन में जा रहे हैं तो। लेकिन महाकाल की कृपा, इतने अच्छे दर्शन हुए, इतने अच्छे दर्शन हुए। अगर आप ने कभी महाकाल के दर्शन नहीं किए तो एक बार आप जरूर महाकाल के दर्शन करें, और सामने से करें। अगर आप इतनी भीड़ में बच्चे वाले हैं तो मतलब, तो इतनी भीड़ में ना आए, थोड़ा सा मतलब भीड़ कम हो जब आए, वर्किंग डेज में आए, वर्किंग डेज में थोड़ा कम भीड़ होती है। तो बढ़िया मज़े से दर्शन हुए, फिर हम लोग घर आ गए थे। और बस फिर आज है ट्यूसडे मॉर्निंग, काफ़ी दिन बाद ये वीडियो बना रही हूँ। सास ससुर चले गए हैं, वो मम्मी पापा लोग सैटरडे को चले गए थे, सैटरडे नाइट को चले गए थे। तो मम्मी पापा 4.5 महीने बाद गए, तो थोड़ा सा घर में अब चले जाते हैं तो बच्चे को तो लगता ही है कि अरे उसके दादी दादा चले गए, थोड़ा सुना सुना उसे लगने लगता है बच्चे को। तो बस वही वही टाइम अभी चल रहा है, अभी तो ठीक है, लेकिन उससे पहले दूसरे दिन मतलब संडे को थोड़ा सा ख़राब लगा था, और अब तो ठीक है, अब तो नॉर्मल है। तो बस, और काफ़ी दिन बाद इसीलिए क्योंकि बिल्कुल टाइम ही नहीं मिलता कि आ जाओ, आके बात कर लो और वीडियो बना लो। अभी आजकल मेवी भी स्कूल जाने लगी है, इस हफ्ते नया ये हुआ है कि मेवी स्कूल जाने लगी हैं, और उनका उनका शेड्यूल रहता है, उनका लंच बॉक्स है, उनका पूरा शेड्यूल रहता है, तो उस हिसाब से काम चलता रहता है। तो बस यही, और कोशिश करूँगी अब रेगुलर हर 2-3 दिन में कुछ ना कुछ डालने का। नहीं है तो आके जो भी है आपके साथ शेयर करूँगी। सो कल फिर मिलेंगे, कल नहीं मिलेंगे तो जब मिलेंगे। सो अपना अपना ध्यान रखिएगा और सबको जय श्री महाकाल, और चलते हैं फिर, बाय।